हाय फ्रेंड्स, सोनिया गोज नेचुरल में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपके लिए जा रही हूँ वो है एक बहुत ही अच्छी जो व्रत में खाते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, साबूदाना की खिचड़ी। महाराष्ट्र की ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्जन की खिचड़ी होती है। मुझे याद है कि मेरी मामा उसे थोड़ी पंजाबी टच के साथ बनाती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने अपने फ्रेंड के टिफ़िन में वो साबूदाना की खिचड़ी खाई, सो आई वॉज जस्ट फ्लॉर्ड विद इट एंड आई वांट टू शेयर द सेम रेसिपी आप लोगों के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साबूदाना की खिचड़ी। और उसमें लगने वाले इन्ग्रीडियंट्स ये रहे फ्रेंड्स। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें लिए हैं, ये सारे इसमें साबूदाना है जो मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था, और ये आधा कटोरी मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है जो पीस ली गई है, और साथ है दो छोटे आलू, नमक, लाल मिर्च, और ये ज़ीरा है 1.5 चम्मच, और ये कटोरी में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च कतर ली है। मीनवाइल मैंने तेल को गरम, अभी ये पैन है, अब मैं गैस ऑन करके तेल को गरम करने रख रही हूँ। और उससे पहले मैं इसमें आधे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो साबूदाने में ही डल जाते हैं। इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया है, और ये आधा नींबू निचोड़ने के बाद इसमें मैं ये नींबू को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये जो साबूदाना है ये आपस में चिपके नहीं। इसमें डाल रही हूँ अब नमक मिर्च, और इसको भी अच्छे तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें आधे इंग्रेडिएंट्स तो साबूदाना में बिफोर कुकिंग ही चले जाते हैं, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये आधा कटोरी जो मूँगफली के दाने, जिनको मैंने अच्छी तरह से भून के दरदरा सा पीस लिया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साबूदाना में, और ये ही नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से आप इसको ऐसा ही करते हैं। एज़ फार एज़ नमक का कंसर्न है, आप बिकॉज़ ये व्रत में यूज़ होता है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, अदरवाइज़ हिमालयन पिंक सॉल्ट या जो भी जिस भी तरह का आप नमक लेते हैं आप उसमें डाल लीजिए, और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए ये तेल गरम हो चुका है पैन में, और अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। जैसे ही ज़ीरा पूरी तरह से भुन जाएगा उसमें फिर हम एक एक करके बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। सो ये जो खाना है ये, इसमें अब मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर लिया है। मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जो व्रत का है वैसे, बट आप इसको इस तरह से भी बिना व्रत के भी खा सकते हैं। अब मैंने इसमें जो दो बारीक कटे हुए आलू थे वो ऐड कर लिए हैं। इसको पूरी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर, ताकि ये गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। ये सिर्फ पकने नहीं चाहिए, इसमें एक ब्राउन क्रिस्पीनेस आ जानी चाहिए, ताकि फिर उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। सो ये जब तक क्रिस्पी ब्राउन नहीं होते हैं तब तक आप इसे अच्छे तरह से पका लीजिए। ये जो साबूदाना की खिचड़ी है ये बहुत ही डिलीशियस होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आलू हैं ये अच्छी तरह से ब्राउन होके पक गए हैं। अब ये स्टेज पे जो है मैंने जो साबूदाना था ये इसमें ऐड कर लिया है। वंस यू ऐड द साबूदाना, इसमें आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और ये इतना मिक्सर का ये रहता है कि आप बस ये इंश्योर कर लीजिए कि साबूदाना आपस में चिपके ना ही। ये जो नींबू मैंने पहले डाल दिया था उससे ये होता है कि ये साबूदाना जो है, साबूदाना के दाने एकदम खिले खिले से रहते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। नॉर्मली यदि इसको पूरी तरह से पकाया ना जाए तो ये आपस में चिपक जाते हैं। एंड नाउ ये साबूदाना की खिचड़ी है ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये पूरी तरह से पक चुकी है, सो अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में डाल के प्रेजेंट करूँगी। ये मेरे बच्चों के भी काफ़ी फेवरेट है। सो नाउ दिस इज़ ओवर, और इसमें लास्ट जो चीज़ है वो हरा धनिया है जो मैंने ऐड कर दिया है टू गेट एडिशनल फ्लेवर्स, फ्रेशनेस, बिकॉज हरा धनिया ऐड करने के बाद उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आई हैव ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ द गैस ताकि वो ग्रीननेस रहे, एंड अब मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में।
look at the texture and the finesse of the dish, and it is very much eaten in the vrat and off vrat. Hamare ghar mein to ye har samay banti hai. So please try this recipe. Hi friends, till we meet next time, please like, share and subscribe to my channel. और अपना feedback दीजिए कि आप किस तरह के videos देखना चाहेंगे, किस तरह की recipes देखना चाहेंगे. Whether you want to see home organization videos, DIY, please give a feedback to me. Till we meet next time, bye bye, take care.